अपने यूजर्स को बेहतरीन फीचर्स देने और डेटा सुरक्षा की गारंटी देने के लिहाज से व्हाट्सएप को पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, लेकिन जब से व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लेकर आया, ऐसा लगता है उसके लिए सब कुछ ठीक नहीं है। पहले प्राइवेसी पॉलिसी का जमकर विरोध, फिर व्हाट्सएप की पेरेंटल कंपनी फेसबुक से करोड़ों यूजर्स का डेटा लीक हो जाना और अब व्हाट्सएप की ऐसी खामी का पता लगना, इन सब से ऐसा लगता है कि ऑल इज वेल नहीं है। अब व्हाट्सएप में एक ऐसी खामी का पता लगा है जिसका फायदा उठाकर हैकर्स आपको बहुत ही आसानी से परेशानी में डाल सकते हैं। तो क्या है वो खामी और कैसे हैकर्स उसका इस्तेमाल कर आपके साथ खेल कर सकते हैं, आपको हम तफसील से बताते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक व्हाट्सएप पे एक ऐसा बग पाया गया है जिसका फायदा उठाकर हैकर आपके व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए उसे बस आपका फोन नंबर चाहिए होगा। अब हैकर आपके अकाउंट को कैसे ब्लॉक करते हैं, आपको हम ये बताते हैं। आपके व्हाट्सएप को सस्पेंड करने के लिए हैकर सबसे पहले व्हाट्सएप को एक नए डिवाइस पर इंस्टॉल करते हैं, फिर चैट सर्विस को एक्टिवेट करने के लिए वो आपका फोन नंबर डालते हैं, लेकिन टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन सिस्टम की वजह से वो अकाउंट को वेरीफाई नहीं कर पाते। लेकिन व्हाट्सएप में एक सिस्टम है जिससे आप टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को बार बार तोड़ने की कोशिश करते हैं तो व्हाट्सएप लॉगिन को 12 घंटे के लिए ब्लॉक कर देता है और इसी खामी का फायदा उठाकर हैकर्स आपका व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक कर देते हैं। खेल यहाँ खत्म नहीं होता बल्कि यहीं से हैकर का असली खेल शुरू होता है। इसके बाद हैकर्स अपनी ईमेल से व्हाट्सएप को एक सपोर्ट मैसेज भेजता है जिसमें दावा किया जाता है कि फोन नंबर उनका है और वो चोरी हो चुका है, इसलिए इस नंबर से चल रहे व्हाट्सएप अकाउंट को डीएक्टिवेट करने के लिए गुजारिश की जाती है, जिसके बाद व्हाट्सएप बिना आपसे कन्फर्मेशन लिए आपके व्हाट्सएप अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, जिसके बाद आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल नहीं कर पाते। इसके बाद हैकर आपसे व्हाट्सएप अधिकारी बन समस्या का समाधान करने का दावा भी करता है और आप अपनी सारी निजी जानकारियां उन्हें दे देते हैं। बस खेल यही होता है। सबसे बड़ी परेशानी तो ये है कि प्राइवेसी के बड़े बड़े दावे करने वाले व्हाट्सएप ने इस समस्या का कोई सलूशन अब तक नहीं निकाला है, तो ऐसे में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये है कि किसी भी शख्स को आप व्हाट्सएप के थ्रू कोई निजी जानकारी न शेयर करें। बाकी व्हाट्सएप डीएक्टिवेट होने से परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपका अकाउंट हमेशा के लिए बंद नहीं होता और ना ही कोई आपके अकाउंट को एक्सेस कर सकता है। 12 घंटे के बाद आप अपने फोन नंबर के जरिए अपने व्हाट्सएप अकाउंट को फिर से एक्टिवेट कर सकते हैं।